फ्रेंड्स, मेरा नाम राजू और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में दिखाएंगे, कभी तरह फ्रेंड्स कमेंट करते हैं, मेरा सेटअप इंडोर में है और वो इंडोर में जावा स्पैरो, ज़ेब्रा फिंचेस, कॉकटेल, बजी स्पैरो, लव बर्ड, ये सब बर्ड्स रखा हुआ है। तो सनलाइट ना पड़ने से वो बर्ड्स को क्या असर पड़ता है, वो लोग जानना चाहते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है। ये वीडियो को अंत तक देखते रहना। और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे नया तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो चलिए फ्रेंड्स, दिखाता हूँ। और फिर देख सकते हो, ये है मेरा जावा स्पैरो अंडर सेटअप है। इधर डायमंड जाब रखा है और इधर कुछ एक्जोटिक फिंचेस दिखाई दे रहा है। और ये फिंचेस भी मेरा सेटअप का अंदर ही है। और फिर देख सकते हो, ये है मेरा बर्ड सेटअप। और सेटअप का अंदर सनलाइट पड़ने का चांस बहुत ही कम है। तो एक्चुअली बर्ड्स को देना पड़ता है टाइम टू टाइम फिडनिक, टाइम टू टाइम विटामिन कैल्शियम और टाइम टू टाइम सॉफ्ट फूड देना चाहिए। तो ये सब देने से अच्छा रिजल्ट देखने को आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपका सेटअप में सनलाइट नहीं पड़ते, आपको सेटअप का अंदर अच्छे से वेंटिलेशन का इंतजाम करना होगा। और सनलाइट का जरूरत नहीं होता है, सनलाइट पढ़ने से अच्छा होता है मगर ना होने से भी कम चलेगा। तो लाइट, जबरदस्त लाइट होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हो, हमारा सेटअप का अंदर सनलाइट नहीं पड़ते मगर सनलाइट लाइट बहुत जबरदस्त आते है। डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ते मगर देख सकते हो बहुत ही लाइट अवेलेबल है, ऐसा होना चाहिए। और सेटअप का अंदर वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, कोई भी बर्ड खराब होने का चांस बहुत कम होगा और अच्छे तरीके से वो लोग ब्रीड भी कर लेगा। तो ऐसा आपको रखना चाहिए सेटअप का अंदर। और देख सकते हो, ये है बेंगल सोसाइटी फिंच। और फिर हम सब लोग जानते हैं सनलाइट से हम लोगों को विटामिन डी मिल जाते हैं। और ये जो बर्ड को भी सनलाइट से ही विटामिन डी मिल जाता है। और कभी सारा फूड का अंदर विटामिन डी है, जो मशरूम कहते हैं वो मशरूम का अंदर विटामिन डी है। और कैबेज, जिसको बंगाल में बादा गोभी कहते हैं, उसका अंदर विटामिन डी है। पालम का साग, सोयाबीन का दाने और एक बिस्किट, एग राइस देने से भी बर्ड का बॉडी में विटामिन डी कलेक्ट हो जाते हैं। तो जिसका सेटअप इंडोर में होगा और सनलाइट पड़ने का चांस कम होगा, उन लोगों को इस तरह फूड, ये सारे फूड्स मेंटेन देना होगा। और ये जो फूड्स मैंने बताया है, पालम का साग, बंधा गोभी, ये आप वेजिटेबल का साथ दे सकते हो, देने से बर्ड्स का बॉडी में विटामिन डी कलेक्ट हो जाते हैं वो फूड से। और सोयाबीन का दाने सॉफ्ट फूड का साथ मिला के दे सकते हो। और मशरूम और एक बिस्किट, एक राइस, मशरूम को डस्ट करके आप दे सकते हो एक बिस्किट एक राइस का साथ, उनमें से भी बर्ड्स का बॉडी में विटामिन डी कलेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह मेंटेन देना होगा, जिसका सेटअप इंडोर में होगा और बर्ड्स का बॉडी में सनलाइट नहीं मिलता है, तो इस तरह मेंटेन देने से बर्ड्स का बॉडी में विटामिन डी कलेक्ट हो जाते हैं। तो विटामिन डी बर्ड्स का बॉडी में कम हो जाने का वजह से बर्ड एक्टिव नहीं रहेगा, ब्रीडिंग मूड में नहीं रहेगा और इन लोगों को ब्रीडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा और जो चीक्स निकलेगा हैंडीकैप निकलेगा। तो ये सारे फूड्स आपको देना होगा जिसका सेटअप इंडोर में होगा, सनलाइट इस साइड में ज़्यादा नहीं पड़ते, तो उन लोगों को ये सारे फूड देना होगा। और इस तरह देने से आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और ज़्यादा ज़्यादा करके आपको एक फूड यूज करना होगा जिसका सेटअप इंडोर में होगा, सनलाइट नहीं पड़ते, उन लोगों को ज़्यादा विटामिन कैल्शियम और एक फूड ज़्यादा यूज करना होगा। और इस तरह मेंटेन देने से आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आशा रखते हैं मेरा वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स का साथ खूब शेयर करना। और चैनल पर नया हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो मिलते हैं नया वीडियो, नया टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सब तक के लिए।